What's good, everyone? Welcome back to Music Producer React. This is Riz Wiz, Music Producer Sound Engineer. Thank you very much for joining me once again. मैंने थोड़ी देर पहले हेलेक के गाने पर रिएक्ट किया था, ठीक है, प्लीज चेक कर लेना. आई डिड बियॉन्से, आई डिड ड्रेक, कोडैक ब्लैक, NBA यंग बॉय, एमिवे, कृष्णा, रफ्तार भाई, इक्का, मेजॉरिटी ऑफ देम, ठीक है. शॉर्ट आउट टू साई. साई, थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग मी सॉन्ग, एंड दिस इज ऑन योर रिक्वेस्ट. आई एम डूइंग ए सॉन्ग रिएक्शन ऑफ ए आर्टिस्ट कॉल यंग गालिब, विच आई लाइक हिम टू. आई ओनली हर्ड इज वन सॉन्ग, मैंने उसका एक ही गाना सुना हूँ हुड में तो आ, और उसके अलावा मैंने कोई गाना नहीं सुना हूँ. एंड आई गॉट ए रिएक्शन फ्रॉम साई एलूरी, आई थिंक दैट्स द नेम. सॉन्ग नेम इज यंग गालिब बर्थडे बार्स फ्री वर्स, प्रोड्यूस बाई रिफिक्स. तो चलो पहले मैं गाना सुनता हूँ, उसके बाद अपना रिएक्शन दूंगा. तो जैसा कि गाइस, अगर यंग गालिब फैंस हैं, यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, वेलकम गाइस. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर. मैं गाना हमेशा पांच एलिमेंट पे रिएक्ट करता हूँ, म्यूजिक, मिक्सिंग, मास्टरिंग, लिरिक्स, डिलीवरी, फ्लो एंड वाइब, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन. व्हाट अप, क्या बोलते क्या बोलते एक साल और बढ़ गया. बर्थडे बार्स, बॉइल फूड खा रहा हूँ अभी. ट्रेनर ने मना किया है फ्राइड फूड खाने के लिए. ताजे पड़े मेरे शब्द, ताजे पड़े मेरे बार, ताजे खड़े मेरे सब, सारे के सारे है यार. मंजिल पे सबकी नजर, कहते जो आगे तू बढ़, किसे ना डर, उठा जो सर, तेरे खिलाफ तो झुका के सर, फेंकेंगे धड़. किसे ना काफ, पहने ना काप, जहरीले सांप में करूंगा माफ, पर करूंगा साफ मैं सबको. अब बनाते रिश्ता बोलते थे जो साथ में, इसके मत रहो, सब सच ब्रो. ये मैं बातें करूँ ना टू मच ब्रो, मैं खा लेता रैपर्स को मैं, भूखा पैसा मगर मच ब्रो, काफी ज्यादा खतरनाक है बातें मेरी, बातों से मेरी तू बच ब्रो. मिलते हैं वर्ड्स तो शुरू करूँ सेकंड वर्स ब्रो. ये मैं पहले से हूँ जबरदस्त ब्रो, भरोसा खुद पे ज्यादा करूँ ना किसी पर ट्रस्ट ब्रो. या कोई ना काम आता कला पे मेरी जो शक हो, अकेला काफी मैं भले लेके आजा बेटा दस को. ये I'm ready to fuck you on, मैं होता ना टस से मस ब्रो. एक बंदी मिली मुझे मस्त ब्रो, रातों को जाग के करता बातें मैं जिसे भी वक्त, यो बीत गया वक्त वो, टूटा जो दिल मेरा तो फिर कलम बनी मेरा मर्ज ब्रो. कला की कदर मैं करूँ तो बंदी से पहले है फर्ज ब्रो. देता ना फक्स तो वो कहती गाले मुझे बख्श दो. ये देता मैं भीख में लव, मांगू अभी खाली भीख में लव, मैं जैसे थोड़ा हो गया है मुझे शीट से लव. था लिखता शीट पे वर्स, पर सीखा शीट से सब. हराना चाहते लड़के तो आया मैं जीतने, अब ना है चिक्स पे मन, अब लेता चेक्स पे मेंट. पैदलता पहले घूमता कभी कभी जीप में, अब वो बड़े भाई की मेरी नई गाड़ी जल्दी आएगी. चौल से 3BHK फ्लैट, थैंक्स ऑलमाइटी. म्यूजिक इज गुड, वेरी वेरी एग्रेसिव, राइट ऑन द फेस, ठीक है. वेरी एग्रेसिव बट वेरी थॉट प्रोवोकिंग टू, ठीक है. बहुत एक्सेसिव एलिमेंट, कोई भी देर आर लाइक स्टार्ट टू एंड ऑन टिल एलिमेंट्स आर ओवरलैपिंग इच अदर टू गिव मेक यू दैट फील, वो फील में आने के लिए, वाइब में आने के लिए बीट ऑन पर्पज स्ट्रक्चर की गई है. अरेंजमेंट इज वेरी गुड, वेरी गुड अरेंजमेंट ऑफ द बीट, ठीक है. मिक्सिंग मास्टरिंग थोड़ा मेरे को वीक लगी, स्पेशली स्टार्ट में व्हेन यंग गालिब स्टार्टेड स्पिटिंग ऑन द माइक, मेरे को थोड़ा आई वॉज फाइंडिंग वर्ड्स आर मडी, ठीक है. मडी मतलब अभी बेवकूफ लोग मेरे को ये मत बोल देना कि मडी होता कीचड़ बोल दिया एंड ऑल दैट स्टफ. मडी मतलब सुनने में, ओके, दैट्स अ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज.
थोड़ी मड़ी साउंड की थोड़ी, ठीक है, एंड रिवर्ब थोड़ा और कम होना चाहिए था, दैट्स मी मिक्सिंग की बात कर दो, रेस्ट ऑल गुड। लिरिक्स की बात, तो उसके पहले मैं एक बात बोलता हूँ, लिरिक्स के पहले, व्हेन आई, मैंने इसके पहले भी बोला, मेरा फेवरेट आर्टिस्ट जेजी है, ठीक है, लेकिन जब मैं लो फील करता हूँ या आई फील लो या लो इन एनर्जी या आई एम इनटू सम डिफरेंट मूड, आई लिसन टू रिक रॉस। द रीज़न वाई आई लिसन बिकॉज ही ब्रिंग्स मी बैक टू लाइफ। ही टॉक लॉट अबाउट गैंगस्टर लाइफ, ही टॉक लॉट अबाउट पर्सनल लाइफ, हसल, ही टॉक अबाउट सो मेनी थिंग। मैं आपको एक डेमो देता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट गाइज वेट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई पुट वन ऑफ द रिक रॉस सॉन्ग, ठीक है। मैं क्यों सुना रहा हूँ आपको, वो आप लोग अभी खुद भी रिलेट करोगे, मैं आपको पॉइंट बताऊंगा तब। वेट वन सेकेंड, रिक रॉस फैमिली टाइम्स, इट्स लोडिंग, वन सेकेंड, आई एम सो सॉरी, मैं पॉइंट पे आऊंगा, ठीक है, हो सकता है शायद मेरे को इसके लिए भी कॉपीराइट कर लिया। Certain things you have to see for yourself. Francis Ford. Fucking with them hoes you niggas still can't afford. सिर्फ आप लोग सुनो, मैं चार लाइन सुना के मैं आप लोगों को, आई विल कम बैक टू द पॉइंट, आई नो दिस इज गोइंग ऑन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, सुन लीजिए आप एक बार। Made so many mistakes, I know that my niggas relate. Like, just to rattle my case, so much shit they sat on my plate. She know me through records, but she don't know me too well. All this game is for sale, was priceless, I keep for myself. Shots fired, man expired, and it's Jordan 3. Small talk, turn that page, that's all they ever read. You graduated, you still unemployed. You taken for granted, love is null and void. बहुत अच्छा गाना, मेरे को तो रोकना नहीं था गाने को, लेकिन कमिंग बैक टू रिएक्शन, ठीक है, द रीजन मैं यंग गालिब के टाइम पे मैंने ये इसलिए प्ले किया बिकॉज आई सी रिक रॉस इन यंग गालिब। मैंने इसके पहले भी बोला हूँ, यंग गालिब गॉट द सेम करिश्मा, सेम एटीट्यूड ऑफ रिक रॉस। ही कैन बी लाइक हिम, ही कैन बी इंडियाज रिक रॉस बिकॉज ही इज थिक बॉडी वाइज, ही इज गॉट दैट केडेंस, ही इज गॉट दैट एग्रेशन ऑन द वॉइस, ठीक है। He and Rick Ross sound creamy. Creamy मतलब जो गले से आवाज निकलती है उसको क्रीमी बोलते हैं। He sound creamy. And they both have one thing in common कि दोनों गैंगस्टर रैप पे बात कर रहे हैं। फर्क वो इंग्लिश में कर रहा है, ये हिंदी में कर रहा है, ठीक है। If anyone from Bantai Record listening me, if Young Galib listening me or Young Galib's fan listening me, please put this word across to him. He can be India's Rick Ross. And Rick Ross is by far the best in the game of gangster rap. By far, आप उसके कोई भी गाने सुनो, जो उसके weakest to weakest, wackiest to wackiest song भी जो होगे ना, वो आपको इतना inspire करेंगे, because वो social topics पर बात ज़्यादा करता है, खुद की real life को भी present करके। That is the reason मैंने वो गाना सुनाया। And Young Galib, I see Young Galib as Indian Rick Ross. He can be, I want him to be. I want him to be. अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो 2018 में 2019 में मैंने Rick Ross के लिए Ghost Production भी किया हूँ। I did it for Kid Cudi, Rick Ross, there are so many artists, D-Banj, Oliver Twist, Nigerian artists. मैंने बहुत पहले लोगों के लिए इन लोगों का काम भी किया हूँ as a Ghost Producer. And I know what kind of a man he is. We had a call. He just said like, hey bro, I like your melody. Whoa, that's how he talks. Bro, I really like your melody. You won. How did you make it? I said like, it was just like there. It came to my head. It's like, you know what? What you made it, I felt it. I'm going to buy it. My producer will get in touch with you. Thank you very much. God is great. And God is with you. World is yours. That was the word he said to me. And then I worked with him for like 6-7 other projects. But I relate Young Galib to him. Fuck lyrics. I'm not talking about lyrics. Lyrics was not that great. ये गाने में. जो hood में तो उसका वो level नहीं था. ये वाले गाने में. Free verse bar में. Obviously free verse है तो free verse में आप more of freestyle पे ध्यान देते हो. ठीक है. But yeah, it was good. It was still good.
he's talk about delegate artists, about delegate something, delegate, decapitate. He said something about it. All right, that was only good part. Flow was also a bit mixy. Meko samajh mein nahi aaya flow kya tha. He was talking about I got a shorty and all that stuff. All right, delivery was good. Flow was all right. Okay, I can make out these people are trying to do the experiment and all that stuff. But Young Galib, dude, you don't need, man. You don't need to do all this. Just focus on your writing. Agar aap flat delivery mein bhi aa jaoge na, bro, you will sound good because I know your writing. I know your level. When the hood mein to aake, man, aur usme jo wo line hai, ye dete shot, ye hote famous, hum pe leke shot, ye honge famous. Hum dukhenge shot, dukhegi anus. That was one of the best bar maine suna tha wo. That is one of the best bar in DHH. It sound filthy, it sound grungy, it sound provoking, but wo bar tha. Theek hai? To vibe was okay. I didn't like the vibe as well, to be very honest. Not that great. Not expected from Young Galib. But yes, all my experience and all the thing aside, that was it, what it was, you know. And once again, guys, I do a reaction. This is my complete, my vision, my personal experience and the way I look. Mere hisab se baat karta hun. Theek hai? Main koi artist ko galat nahi bol raha hun. Maine technicalities ki baat kiya hun. Aur main ye baat isliye karta hun. Taki aapke fans, jo artist ke fan hai, for example, Young Galib ke fans hai. Agar wo dekh ke inspire hona chahte hai, to at least isse knowledge le sake ki bhai, okay, this is what I will not do. This is what I should not repeat. For them, you guys are inspiration and you guys are setting up an example. Aap log apna risk leke un logo content de rahe ho taki they can have a learning out of it. That's what I'm doing. Theek hai? So people coming back retaliating me on the comment and everything, it will not change my perception. It will not change me. I always stick by and I will always stick by to being unbiased. Aapko jo bolna hoga, aap bolna. Theek hai? Agar aapko koi baat buri lagi hogi, comment box mein mention kar dena. अगर आपको लगता है मुझे म्यूजिक का टेस्ट नहीं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना. इफ यू थिंक आई सेड समथिंग रॉन्ग, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना. अगर जस्टिफिकेशन रिक्वायर होगा तो मैं जरूर दूंगा. एंड ऑल द यंग गाली फैंस, ऑल द बंटाई रिकॉर्ड्स फैन, ऑल द बीकेपीस, ऑल द डीएचएच फैंस, ऑल द इंडियन हिप हॉप फैंस, एनी आर्टिस्ट हू आर एस्पायरिंग आर्टिस्ट हू वांट टू बिकम अ रैपर, आई हैव अ फ्री बीट चैनल कॉल्ड हुरेड म्यूजिक. यू कैन चेक इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. क्रेडिट देना मत भूलना. आप योग यूज कर सकते हो बिंदास. 100 से ज्यादा बीट है. कोई आर्टिस्ट को मुझसे कनेक्ट होना होगा तो आप कर सकते हो. एक और चीज गाइस, अगर आप लोगों को लगता है कि यूट्यूब म्यूजिक चैनल स्टार्ट करने के टाइम पे 100 सब्सक्राइबर और 4000 वॉचर्स बहुत ज्यादा हो जाता है म्यूजिक वालों के लिए या म्यूजिक आर्टिस्ट के लिए, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, आई बीन थ्रू दैट. आप ऑलरेडी प्री मोनेटाइज यूट्यूब चैनल खरीद लो. इफ यू वॉन्ट दैट, कनेक्ट मी. इट्स हार्डली एनी अमाउंट. वो फिल मतलब आप लोग जो मार्केटिंग पे खर्चा करते हो वो आप उतने में वो ले लोगे. चाहे आपका चैनल चालू करोगे, बिस्मिल्लाह करोगे, आपको रेवेन्यू गिरेगा. आप एटलीस्ट वो मोटिवेट हो के तो आप कम से कम और अपने आर्ट पे, अपने स्किल्स पे काम करोगे. जितने भी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स लेबल है, जितने भी बड़े बड़े रिकॉर्ड लेबल आर्टिस्ट हैं, वो लोग यही करते हैं. अपार्ट फ्रॉम एमवे बंटा है, बिकॉज ही मींग ऑर्गेनिक, अपार्ट फ्रॉम बंटा रिकॉर्ड, बट मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट डू द सेम. दे बाय मोनेटाइज चैनल एंड देन उसके ऊपर उन लोग सब बिल्डअप करते हैं. ठीक है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो. उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना पड़ेगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. इफ यू नीड एनी ऑफ दोज सर्विसेज या हेल्प, आई एम देयर, डोंट वरी. शाउट आउट टू साई वंस अगेन फॉर सजेस्टिंग मी दिस सॉन्ग. थैंक यू सो मच ब्रदर. शाउट आउट टू स्पाइडर गेमिंग, रूट गेमिंग, उसके अलावा प्रसिद्ध भाई. शाउट आउट टू एम सी मनमीत, द मनमीत द गेमर. उसके अलावा उन्स गेमिंग, स्ट्रीट लवर. थैंक यू सो मच गाइज. Without your love, without your blessings, aap log ke support ke bigar, I would have not been here. Thank you so much. That was me reacting on Young Galib birthday bar free verse, produced by Refix. That's all from Music Producer React. Thank you guys. Peace out.